खड़गे जी आ रहे हैं कल भरोसे सम्मेलन राजनांदगांव जिले में और उसमें सब शामिल होंगे और कल पीसी की बैठक होगी, स्क्रीनिंग कमेटी की भी संभवतः अजय मकान जी भी आएंगे तो उस मामले में कैंडिडेट सिलेक्शन की चर्चा होगी। पहली लिस्ट कब तक आने की? अब तो सीसी के ऊपर डिपेंड करता हम लोग। अच्छा एक चीज़ की सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कोटा है चावल खरीदी का उसको कम कर दिया, अभी चिट्ठी भी लिखी। हाँ भाई, पहले 86 लाख मीट्रिक टन का था, वो उसको घटा दिया गया। बारदाना भी कम देंगे, जब हम 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीद रहे हैं और वो तैयारी हमारी उसी प्रकार से थी। अब कोटा घटाने के पीछे क्या है, जो चावल नहीं खरीद रहे हैं वो धान क्या खरीदेंगे? धान खरीदने खल्ला करते हैं और चावल खरीद नहीं रहे हमसे, उसमें भी राजनीति। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि अभी से लोग खेलना शुरू कर दिए, जबकि पहले भी इसी प्रकार से हम लोगों के साथ व्यवहार किया गया था और हम लोगों को खुले बाजार में धान बेचने को मजबूर होना पड़ता। हम घाटा सह के भी किसान को घाटा नहीं होने दिए थे। भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ में राजनीति दिखाई देती है, किसानों के साथ उन्होंने हमेशा धोखा किया। कभी आय दुगुनी करने का लोभ दिया गया, कभी 2100 रुपया क्विंटल खरीदने की बात कही, कभी 300 रुपया बोनस देने की बात कही, लेकिन हर समय उसे छला गया किसानों को। और कांग्रेस की सरकार हमेशा विपरीत परिस्थिति में भी किसानों के साथ खड़ी रही है। बिल्कुल खड़ी रहेगी, हर स्थिति में हम किसानों को 20 क्विंटल धान खरीदेंगे, केंद्र सरकार ले ना ले। छत्तीसगढ़ को कुछ दिया तो नहीं, लेकिन हाँ अभी आए थे साइंस कॉलेज ग्राउंड में, उम्मीद थी कि घोषणा करेंगे छत्तीसगढ़ के लिए, तो घोषणा तो किए नहीं, झूठ बोल के गए। फिर आने वाले रायगढ़ 14 तारीख को, सीधी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग बिल्कुल नापसंद करते हैं छत्तीसगढ़ के लोग, क्योंकि 15 साल उन्होंने ठगा है, लूटा है। और अब भारतीय जनता पार्टी के जो कलई है खुल चुकी है और कांग्रेस की सरकार हमेशा गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं और नौजवानों के लिए काम करती है, तो यहाँ के व्यापारियों के लिए, यहाँ के उद्योग के लिए काम करती है, तो ये बात तो सभी समझ चुके हैं। और इसलिए यहाँ 2 लाख नौजवानों की भीड़ थी, वहाँ 10,000 की भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाए भारतीय जनता पार्टी। सर, आरएसएस चीफ मोहन भागवत का एक बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि समाज में जब तक डिस्क्रिमिनेशन रहेगा तब तक रिजर्वेशन को रखना पड़ेगा, जब तक रहेगा समाज में तब तक रिजर्वेशन को कंटिन्यू। जब बिहार के चुनाव हुआ था तो ख़त्म करने की बात कही, आज उसे सुर क्यों बदल गए? और यदि है ऐसा तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को बोले कि 70% की जो आरक्षण उसे लागू कर दो, लागू करने के लिए कहें, वो भी पड़ा हुआ है राजभवन में। ठीक है, बीजेपी अपना दूसरा लिस्ट जारी नहीं कर पा रही है। नहीं भाई, वो पहले लिस्ट विरोध जिस तरीके से हुआ इस कारण वो दूसरा लिस्ट जारी नहीं कर रही थी। अब वो देखो ऐसा है कि पहले लिस्ट में जो इतना अंतर कला उभर के सामने आया है कि उसको अभी तक के वो लोग मैनेज नहीं कर पाए। G20 सम्मेलन जो है सर, वो दिल्ली में आप जाएंगे क्या? पार्टिसिपेट करना, हमारे छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, कैसे देखते हैं सर, क्या आप जो सम्मेलन होने वाला है उसका क्या इम्पैक्ट होगा? अब देखिए उसके अब उसके क्या क्या उसमें निर्णय होते हैं वो पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई है, जो निर्णय होंगे हम सबके सामने होंगे तो फिर बात होगी। ठीक है, इस तरह की स्थिति पहले भी देखी गई थी जब पत्राचार हुआ था, चाहे वो बारदाने का जिक्र हो, चाहे तमाम चीज़ें, फिर दोबारा वही परिस्थिति, अब सामने चुनाव। तो चुनाव होते हुए भी किसानों के साथ किस प्रकार से चल कर रहे हैं ये तो देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार के साथ भेदभाव, हमेशा हमको परेशान करने की कोशिश करते हैं। किसान तो धान बेचेंगे, हम 20 क्विंटल खरीदेंगे क्या? हमने घोषणा की है और उसको खरीदेंगे भी, 1 नवंबर से हमारी खरीदी शुरू हो जाएगी। उसके बाद केंद्र सरकार चावल ले ना ले, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम धान किसानों का खरीदेंगे 20 क्विंटल प्रति एकड़। अच्छा सर, ये बीजेपी अभी तो अमित शाह जी हर समय नाराज हो जाते हैं। भिलाई में आए थे, 40-50 हज़ार की भीड़ होगी, बोले 8-9 हज़ार भीड़ थी, 1 घंटे इंतजार करना पड़ा सभा के लिए। फिर अभी रात रात में आते हैं, घुड़की लगा के जाते हैं। अभी जब आरोप पत्र जारी करना था 10:30 बजे, वो 12 बजे शुरू हुआ, हाल भी नहीं भरा, बेहाल थे। सराई पालिंग सभा की स्थिति वही थी, वो आके सीधा जो कार्यक्रम नहीं था फिर वापस गए कार्यालय में, फिर घुड़की लगा गए हैं। तो अभी डंडा मार मार के चलाए हैं, तो कहते हैं ना, सिखाए पूत पहाड़ नहीं चढ़ता।
कितना भी कर्षित कर लें, अब वो ये मानसिक रूप से हार चुके हैं। लेकिन आरोप पत्र जारी किए, कम से कम ईडी आईटी वालों को बोल देते, भीड़ तो ऐसी हो जाती है। अपने मजबूत टीम का उपयोग नहीं किया उन्होंने।